बचना ए हसीनो लो मैं आ गया, बचना ए हसीनो लो मैं आ गया। Welcome to today my contents about आरडी बर्मन्स एंड किशोरदा। दोस्तों आरडी बर्मन और किशोरदा की गीत संगीत से पहले आपको हम स्वागत कहते हैं और गीत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज की दोस्तों हम एक और रिसर्च लेके आए हैं कि आरडी बर्मन्स किशोरदा के साथ 1970 के दौर में फर्स्ट ओवर स्टार्स राजेश खन्ना किशोरदा एंड आरडी बर्मन्स पचंदा, इनकी जो दोस्तों दोस्ती रही, जिनकी सफलता की सीढ़ियों में जो उन्होंने उस दौर में रोमांटिकल सॉन्ग्स गाए, जिसमें रफ़ी का जो सितारा था वो मानन फीका होने लगा, जिसमें किशोरदा क्योंकि इस मंथ्स में जो है वो बहुत आगे जा रहे हैं और इसकी मांग्स थी, और किशोरदा आप जानते हैं कि वो मूडी इंसान थे। दोस्तों कई गीत संगीत उन्होंने रफ़ी के लिए भी गाए, जिसमें कई गीत जिसमें किशोरदा ने गाए, जिसमें एक गीत है मैं आपको सुनाता हूँ, मैं शायर बदनाम, मैं शायर बदनाम लो में चला। दोस्तों इस गीत संगीत के साथ और भी कई जो आरडी बर्मन्स में 70 के दौर में जब वो जाते हैं 90s के दौर में, तो वो उसका सितारा फीका पड़ जाता है, जिसमें जो है नदीम शर्मन और कई म्यूजिक डायरेक्टर्स ने जो म्यूज़िक को उन्होंने तैयार किया और उसने एक नई धुन को रोमांटिकल सॉन्ग्स कुमार सानू के साथ वो हिट रहे। लेकिन दोस्तों आरडी बर्मन्स जो मेलोडी गीत संगीत के लिए जो जाने जाते हैं, उनकी जो धुनें थी वो एक दौर था जो फ्लॉप भी हो गया था, लेकिन दोस्तों वो अपने ड्यूटी में जो है जब सोते तो वो अपनी चादर डालकर सोते, और वो तनाइयों के दिन भी उनको रातों को देखने पड़े, और आरडी बर्मन्स ने बहुत मुश्किल वक्त में जो अपना वक्त गुजारा, क्योंकि म्यूज़िक कंपनियाँ उसको काम नहीं देती थी और कैसा वक्त भी आ गया था। लेकिन दोस्तों उसकी जो चर्चा थी, पहले जो उसके जो सितारे चमकने लगे, जिसमें रफ़ी साहब के लिए गीत गाए, जिसमें मेहंदी फिल्म की गीत जो है, आधी कहे नाम फिल्म, दोस्तों कई और गीत जो हम उनकी हम चर्चा करेंगे, चुरा लिया है जो तुम दिल को। दोस्तों किशोरदा के लिए एक और गाना जो है, जिसमें बचना ए हसीनो लो मैं आ गया। दोस्तों जो आरडी बर्मन्स ने गीत संगीत उस वक्त दिए, और वो क्योंकि जाने जाते थे, इसकी वजह से किशोरदा को चार चांद लगे। और दोस्तों किशोरदा के लिए एक और जो उसने स्टार्टिंग गीत जो था वो भी हम आपको सुनाएंगे, जिसमें फंटूस फिल्म का गीत था, जिसमें ए मेरी टूटी टोपी पलट आ, ए मेरी टूटी टोपी पलट आ। दोस्तों इस तरह का गीत था फंटूस में भी, उनका गीत में उन्होंने इस्तेमाल किया, जिसमें दम आरम दम मिट जानेगा दम। दोस्तों कई गीत उन्होंने तैयार किए, जिसमें उन्होंने बतौर जज जो है काम किया, लेकिन और कई सफलता की सीढ़ियों पे जो है किशोरदा के लिए उन्होंने गीत गाए। दोस्तों एक हुसन पे एक फिल्म थी जो रफ़ी के लिए उन्होंने गीत गाया था, जिसमें ओ हसीना जुल्फों वाले, ओ हसीना जुल्फों वाले। दोस्तों ये गीत रहे, जिसमें आया सनम के लिए गीत, और उसके अलावा कई और गीत के लिए जो किशोरदा की एक फिल्म थी, जिसमें कोई हसीना नशा जब रूठ जाता है कहीं हसीना। दोस्तों ये गीत भी रहा, जिसमें आरडी बर्मन्स के लिए ये आज की क्रिकेट में हम किशोरदा और उनके गीत संगीत के साथ रहे। और एक महबूबा की फिल्म के लिए उन्होंने गीत तैयार किया, जिसमें महबूबा 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 महबूबा। दोस्तों ये उनके उस वक़्त के सुपरहिट सॉन्ग थे, जिनको उन्होंने जो है चार चांद लगाए, लेकिन किशोरदा के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। और दिस गिविंग टू इन्फॉर्मेशन today my this content. Thank for watching.